साल अल्हम्दुलिल्लाह एक नया रिकॉर्ड बनाया है। अभी कुछ दिन पहले हमने 7.5 लाख गाड़ियों की लाइन ऑफ सेरेमनी भी सेलिब्रेट की थी और आज इसी अजम के साथ हम एक नया साल आगाज करने जा रहे हैं। इसी मौके पर मैं चाहूंगी कि एक बार आईएमसी फैमिली के लिए भरपूर तालियां हो जाए। अब मैं दावत देना चाहती हूँ सीईओ ऑफ इंडस मोटर कंपनी मिस्टर अली असगर जमाली साहब को कि वो स्टेज पे आए और इस नए साल के साथ हम सबको एक नया मैसेज दें। प्लीज अपनी भरपूर तालियों में वेलकम कीजिए अली असगर जमाली साहब। मुझे लगा माही ने जब स्टार्ट किया तो कुछ डॉक्टर कह दिया वो पता नहीं किससे इंप्रेस हुई थी डॉक्टर पर मैं ना डॉक्टर हूँ मैं इंजीनियर हूँ नो ऑफेंस टू माय इंजीनियर फ्रेंड। अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कितने लोग हैं यहाँ आज नींद के बताए कोई गेस करे 3000 लोग जब 3000 सलाम का जवाब देते हैं तो ये पूरा एरिया घूमना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। ओके आप सबको नया साल बहुत मुबारक हो। मैं आज सुबह हबीब यूनिवर्सिटी में लर्निंग फेयर था उसमें गया था। बड़ी अच्छी मैंने एक्टिविटी देखी वो अक्सर मैं आप लोग से तालियां बजवाता हूँ लेकिन वहाँ पे उन्होंने एक बड़ा अच्छा एक साउंड के साथ किया जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग अगर मेरे साथ करें तो क्या इम्पैक्ट होता है। तो सिर्फ एक दफा ताली बजानी है ये उस तरह ठीक है जब मैं कहूँ तब जब मैं 1 2 3 कहूँ तो सब एक साथ बजाया देखे कितना साउंड बता रहा हूँ 1 2 3 ये बेस्ट था नहीं नहीं ओके खुद ही कह रहे चले तो फिर स्टार्ट 1 2 3 3000 लोग ताली बजाए तो पीछे का एक शीशा तो टूटना चाहिए। ओके लेट्स गो ये नाजमा भी आ गए तो पता चल गया कि जान है। ओके 1 2 3 ये बा ओके आज ही 3 बार गाय हो रही है गाय टूटे ही नहीं मैं जरा उर्दू अंग्रेजी दोनों में मीटिंग कोशिश करूंगा पूरी रख ले तो हमने पिछले साल में जो केपीआई दिए थे जो टारगेट्स दिए थे तो तेरे बाल आ गए यार फिर से आप लोग को बताना कि वो हमने किस तरह अचीव किए या नहीं किए और आगे का हमारा क्या टारगेट ताकि बड़ा क्लियर हो। तो ये जो प्रेजेंटेशन है मेरी आज 400 पे है सेफ्टी एंड फाइबर और मोटर सेफ्टी पहले से डिक्लेरेशन देनी चाहिए कि मैं हमेशा गाड़ी सीट बेल्ट पहन के चलाऊंगा। ये डिक्लेरेशन मेरी आज बल्कि तारिक साहब से डिस्कस हो रहा था कि पीछे बैठ के भी मैं सीट बेल्ट पहनूं तो वो मेरी डिक्लेरेशन है कि मैं जब पीछे सीट पे बैठा हूँ उस पर मैं सीट बेल्ट पहनूंगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है जो मैं दे रहा हूँ क्योंकि जो मैं सेफ्टी पे बात करूँगा उससे आप लोगों को पता चलेगा ये क्यों इम्पोर्टेंट है। बिल्डिंग क्वालिटी के ऊपर माशाल्लाह से आप सबको पता है अच्छा रिजल्ट आया है। प्रोडक्शन एफिशिएंसी हमारी थोड़ी लो है इंशाल्लाह इस साल में 2000 से ज्यादा या 2500 से ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और आप लोग सबका उस पर फीडबैक था तो उसके ऊपर हमने क्या क्या एक्शन लिए या क्या क्या एक्शन लेने जा रहे हैं वो मैं आपको आज तो सेफ्टी पे जरा आए आओ। ये पिछले लॉस्ट वर्किंग डे का डेटा है पिछले 12 साल और इस साल का हमारा टारगेट था 0 अल्हम्दुलिल्लाह वी हैड नो फेटल एक्सीडेंट एंड नो लॉस वर्किंग तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। थैंक यू वेरी मच सर आपके लिए तालियां हो गई। लेकिन नॉन लॉस वर्किंग डे का टारगेट जो 3 था वो 5 हो गया। इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी हमने अपना टारगेट बर्स्ट कर दिया है। 3 का टारगेट रखा गया था कि ये पिछले साल 4 था एक्चुअल हम 4 से 5 हो गए 6 महीने में लॉस वर्किंग डे। एक तरफ जो कोई सेटल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह कोई लॉस वर्किंग डे नहीं हुआ लेकिन ये जो नॉन लॉस वर्किंग डे 5 हो गए सिर्फ एक ये जितने लोग हैं यहाँ पे 3000 प्लस क्या ये मुझे एक कमिटमेंट देते हैं कि स्टॉप पॉइंट कॉल करेंगे इस कंपनी नहीं। और मुझे पता है कि थोड़ा सा हमें लगता है अजीब है यूं कर रहे राइट लगता है सबको लेकिन इसका एक मकसद है
इसका मकसद ये है कि राइट को देखें, लेफ्ट को देखें, सामने देखें, फिर चलें। सिंपल मकसद है। और बहुत दफा मेरे साथ कुछ गेस्ट आते हैं, उनके लिए क्या बेवकूफी कर, जो बाहर के लोग इनको बेवकूफी लगती है, लेकिन हमारे लिए हमारा कल्चर। तो क्या ये कमिटमेंट है? स्टॉप पॉइंट कॉल हर बंदा टॉप पे करेगा, यहाँ पे लिखा हुआ होगा। ये हाथ उठा के पता है, जिसने नहीं करना वो हाथ ना उठाइएगा। अब तो उठाना पड़ेगा, उंगली उठाइए, उंगली नहीं दिखाई भाई। चले आगे। अच्छा अब ये थोड़ा सा एक विजुलाइजेशन है जो हो रहा है। इसका डे खराब है, मैं बोल रहा हूं सेफ्टी पे मैं क्यों इतना फोकस करता हूं। चेड़ा खराब है, चेड़े चेड़े। और फिर मेरा मैसेज भी सुन लीजिए। अबे तू वीडियो बना बेटा, अब अपनी का दिल का रास्ता वो वाली लग रही है। Neha, can you go out and buy some tea leaves, please? Yeah.